सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन समस्त को वेलकम करुच्छे आम क्लास डियर स्टूडेंट को। सो करंट अफेयर सेसन रे आमे ऑलरेडी पाखापाखी 65 क्वेश्चन आमे ऑलरेडी देखी देखिदे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आउ किछि देखिबा फॉर मैं फॉर अपकमिंग जहाँ भी एग्जाम आसुच्छे तो आपण मैंने वीडियो देखिबे एवं आपण करंट अफेयर खातार नोट करुथिबे। पूरा एमती क्वेश्चन फॉर्मेट नोट करे आवश्यकता नहीं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म खाली नोट कर दिंतु। जमीक पे ये गोटे क्वेश्चन देच ये आप देखिपे ह्विच वन अफ द फलोइंग डिस्क्राइब द 30 डोराडस बी तो दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज। तो निम्नलिखित मधुर डोराडस बी जोटा कि न्यूज रही एक्चुअली ये कौन क्वेश्चन पचारे कि डोराडस बी जो न्यूज रहा ये गोटे कौन सिंपल। तो आम जो देखिया पे यूज गोटे कौन पे यूज आप सुपरनोवा रेमानेंट। ओके तो सुपरनोवा रेमानेंट कौन पे एक्चुअली नासार गोटे चंद्र एक्सरे अच्छी नासार गोटे अच्छी चंद्र एक्सरे जो नासार चंद्र एक्सरे अच्छी ये हूँ गोटे ऑब्जर्वेटरी एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ये कौन कर रिसेंटली 30 डोराडस बी जो सुपरनोवा अच्छी ये गोटे कौन ना लार्ज मैग्लिनिक क्लाउड जोटा आपंकर सैटेलाइट गैलेक्सी जो मिल्क वे अच्छी सिंपल आम कह मिल्क वे गोटे क्लाउड अच्छे जोटा कि नासा चंद्र एक्सरे द्वारा से जानवाक पाई से आपज रहा जार ना हूँ कौन ए सुपरनोवा रिमानेंट से आप मन रखिथे। देन आम आस 66-67 व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट यूएसए स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून सरफेस सिंस अपोलो 17 इन 1972 पर यूएस रोट स्पेसक्राफ्ट स्पेसक्राफ्टा लैंड हो आपर मून रे। तो जदि मोर आंसर कहकर जी तो आंसर हम पेरिग्राइन कड़े गल पेरिग्र ओके पेरिग्राइन मिशन वन यहाँ हूँ आपंकर आंसर पेरिग्राइन मिशन वन। अच्छा यहाँ मुझे कर दिए ओके सो पेरिग्राइन मिशन वन कौन एक्चुअली ये जो पेरिग्राइन मिशन वन अच्छी ये हूँ गोटे बहुत यूएस पे गोटे माइल स्टोन जोटा कि लुनार एक्सप्लोरेशन करने फास्ट स्पेस क्राफ्ट अपोलो 17 पर 1972 जो यहाँ प्रथम जोटा कि आपंकर यूएसए पठाई अमेरिका एवं यहाँ आपर पाखापाखि फेब्रुआरी मस रहा जाता जब भूल न कौन था तो आप सिंपल मन रखिए पेरिग्राइन मिशन वन गोटे आपणकर लुनार एक्सप्लोरेशन होता एवं ये हूँ यूएसए र नेक्स्ट पे ह्विच आईआईटी हाज रिसेंटली डेवलप्ड ए वर्क फॉर फूड सल्यूशन टू ग्यारंटी मिनिमम वेजेस फॉर फूड डेलीवरी वर्कर्स जो मैंने फूड डेलीवरी वर्कर अच्छा केमी मिनिमम वेजेस मिल दरमा मिल सैलरी मिल जो पारिश्रमिक मिल से गोटे कौन कराई डेभलप कराई पे वर्क फॉर फूड आप गोटे सल्यूशन डेभलप कर डेभलप कर आईआईटी दिल्ली। ओके आईआईटी दिल्ली मन रखिए वर्क फॉर फूड आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट पे मैंने आपको जब आईआईटी फुल फॉर्म हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ भी आप मन रखिए। ओके आउ आदि किसी इंपोर्टेंट ना देन 69 क्वेश्चन आसवा यूएस 69 आम बहुत इंपोर्टेंट ह्विच कंट्री हाज रिसेंटली अनाउंस्ड द ग्रीन फ्यूएल्स अलायंस इंडिया GAIF दैट मीन्स ग्रीन फ्यूएल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव टू बूस्ट द कोलाबोरेटिव एफर्ट विथ इंडिया इन सस्टेनेबल एनर्जी सल्यूशन एनर्जी सस्टेनेबल करने भारत सहित डेनमार्क गोटे कोलाबोरेसन कर कौन पाई ना ग्रीन फ्यूएल अलायंस इंडिया को करिया पाई एक्चुअली ये जो डेनमार्क ये अनाउंस करी कि ग्रीन फ्यूएल अलायंस इंडिया गोटे इनिशिएटिव को बूस्ट करी इंडिया सहित पिलामाने ए दी जन कंट्री मिसिकी केमती आपण जानिछती आम इंडिया 2070 सुधा कार्बन जीरो है ना कार्बन न्यूट्रालिटी को आम फोकस कर 2070 सुधा आम देश में कार्बन को आम जीरो करवा न्यूट्रल करवा से भाया पिलामाने डेनमार्क मध्ये कोन करछि 2050 सुधा 2050 सुधा सी मध्य कार्बन को न्यूट्रल करने टारगेट रखी कार्बन इमिशन हो विभिन्न प्रकार पल्यूशन होमर जो फुएल जल जाला फल से
ग्रीन फ्यूल्स को व्यवहार करापाई ये दीज कोऑपरेटिव होकर कोऑपरेशन चली विभिन्न प्रकार व्यवस्था कराऊँ ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करके फ्यूल करवा से विषय कार्य चली जोटा कि कार्बन को रिड्यूस करने सहित पल्यूशन कम से आप मन रखिए डेनमार्क सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंपनी हाज रिसेंटली रिसीव्ड पैटेंट फॉर इट्स सोलार फ्लोर मिल इनोवेटिव। एक्चुअली ये जो शक्ति पंप्स अच्छी ना शक्ति पंप्स ये कौन कर ये पाई शक्ति पंप पूरा लिमिटेड अच्छी जी कि पैटेंट बा पैटेंट ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गोटे सोलार फ्लोर मिल इनोवेशन पे कौन मिली कौन कहींपर व्हिच कंपनी हाज रिसेंटली रिसीव्ड ए पैटेंट फॉर इट्स सोलार फ्लोर मिल इनोवेशन। हाँ सोलार फ्लोर मिल इनोवेशन बाय शक्ति पंप को मिली। एक्चुअली एटा पे शक्ति पंप आप सोलार पावर पर कम करती सोलार को आम इलेक्ट्रिसिटी जो डिपेंडेंट अच्छे आमर ताकू कमेक सोलार उपर आम डिपेंडेंट बढ़ बेटर आम आउटे एनर्जी को एनहांस कर सोलार उपर डिपेंडेंट करवा क्लाइमेट रेजिलिएंट हवा तो से पाने शक्ति पंप्र बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका तेणुकटा मिली। एवं कथा हूँ पे एक्जाक्टली ये प्रथम थर नु आ पूर्व मिली शक्ति पंप को। ओके सो शक्ति पंप विषय में जाणीगले कि आपण मानक सोलार फ्लोर मिल इनोवेशन शक्ति पंप द्वारा होती। नेक्स्ट 7-1 को जब आम जा व्हिच स्टेट हाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर स्कीम नेम्ड योगश्री योग्यश्री बा योगश्री सबुठ मत ये स्कीमटा बहुत बढ़िया लगे पे। एक्चुअली ये स्कीमटा आपर वेस्ट बेंगल ममता बानाजी के द्वारा होती। एक्चुअली ये योगश्री स्कीम कौन पाई आज ना जो मैंने एससी एंड एसटीज अच्छा गरीब क्लासर तो से फ्री रे मागणारे विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव कोचिंग दिया एग्जाम केमती से माने सक्सेस पाइबे जॉब करिवे से कॉम्पिटिटिव कोचिंग दिया जो एटा बहुत बड़ा इनिशिएटिव एंड बहुत बड़ा ममता बनर्जी के द्वारा इना कि केवल एससी एसटी को पाई ये धीरे धीरे सब कैटेगरी हवा कथा सरकार तरफ प्रोत्साहन हवा कथा जो मैंने भी गरीब श्रेणी अच्छा खाली एससी एसटी नुह समस्त हवा कथा जनरल हवा कथा ईडब्ल्यूएस को भी इनक्लूड हुए तो परवर्त समय ओडिशा गवर्नमेंट मध्य स्कीम अच्छी बट ताक इफेक्टिवली कराऊनि सिविल सर्विस ओडिशा गवर्नमेंट भी अच्छी बट एत इफेक्टिवली ये कराऊनि कथा तो जहाँ वेस्ट बेंगल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बहुत बढ़िया एटा इनिशिएटिव मत तो बहुत भल लगे भाई है ना। तो चलां नेक्स्ट जा 72 नंबर क्वेश्चन जब देखा पे व्हिच रीजन इज एसोसिएटेड विथ द ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो दैट हाज रिसेंटली विन इन द न्यूज। एक्चुअली अल्वारो एक्चुअली कौट थी जानते ये हूँ कि माडागास्कर रे बहुत डिस्ट्रक्शन करता एक्चुअली से फेब्रुवरी मस रही आसला आई थिंक माडागास्कर द्वीप आप जानते ना आईलैंड जो जो आप आफ्रिका जो अच्छी आफ्रिका देखिए ये आपकी माडागास्कर आईलैंड आप देखी जानते तो माडागास्कर आईलैंड आसला एक्चुअली कौन ना आल्वारा आल्वारो गोटे आसला से मन रखिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो 73 इंडियाज फास्ट मल्टीस्पोर्ट्स बीच गेम स्टार्टेड रिसेंटली इन एट व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एक्चुअली बीच रे मतलब समुद्र कूल रे विभिन्न प्रकार मल्टीस्पोर्ट्स आपंकर कंपिटिशन होता एंड ये आपंकर दामन दीवर होता यहाँ आप मन रखिए जोटा कि आम बहुत इंपोर्टेंट पाखापाखि 1200 प्लेयार 20 स्टेट रूटी भाग नहीं मोर जी मन पड़ू एंड ये आपण मान नरेंद्र मोदी ये पार्टिसिपेंट मानक मानने इंटराक्शन करते मोर मन अच्छे जो अनुराग ठाकुर अच्छा जो आम स्पोर्ट्स मिनिस्टर सी मध्य जाइए चीफ मिनिस्टर होते बहुत बड़ इवेंट होता डामनड्यू तो ये आपने मन रखिपारे कि सी बीच गोटे इवेंट होता। इन रेस्पन्स टू वार्निंग ओशियंस व्हाट अडॉप्शंस स्ट्राटेजी हाव वोमेन इन जांजीबार अडॉप्टेड टू ओवरकम द चैलेंज। एक्चुअली ये जो जेहेतु क्लाइमेट चेंज होची जांजीबार रे वोमेन मैंने कौन कर मन रखे ये इंपोर्टाट नुह तो जो स्पंज फार्मिंग करुँचे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्लाइमेट सहित खाप खुआई तो स्पंज फार्मिंग करुँचे यहाँ आप मन रखिपारे। देन 75 होची हु इज द फोर्थ सेक्रेटरी जनरल ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन जहाँ को आम सर्टे बीमस्टेक कहते ये बहुत इंपोर्टाट मुझ बीमस्टेक विषय में पढ़े आपको जदि आप जानते हैं कमेन्ट्रे बीमस्टेक हेडक्वाटर कौटी अच्छे मत कमेट्रे लिखे और मुझे रखे ये बीमस्टेक हेडक्वाटर लिखे और बीमस्टेक जो मैंने मेम्बर अच्छा कौन मैंने मेम्बर अच्छा पे आप मेम्बर कंट्री ना मेनसन करेंगे ये परीक्षार आसे
ମୋତେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଣ୍ଡେକୁ ପିଲାମାନେ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ SG କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଦେନ୍ 76 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସ୍କାଏ ଡ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ସ୍କାଏ ଡ୍ୟୁ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା, ଏବେ ଆପ୍ରେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସ୍କାଏ ଡ୍ୟୁ ଉପରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କି ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ଇରାନ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ହଁ ନାହିଁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା, ସିମ୍ପଲ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାର ସହାୟତାରେ, ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଅଛି ଟିକମ୍, ଆମେରିକାର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଟିକମ୍, ଓକେ, ଏ ଟିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ଆମେରିକା ସହିତ ମିଶିକି ଇସ୍ରାଏଲ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ହାଇ ଆଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ବେଲୁନ୍ଟା ଗୋଟେ, ମତଲବ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଟା ହାଇ ଆଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବାର ବେଲୁନ୍ଟା ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ରାଡାର୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବା, ବହୁତ କାମ ହୋଇପାରୁଛି। 250 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ, ତା ରାଡାର୍ରେ ଇଏ ରଖିପାରିବ। ତ ସ୍କାଏ ଡ୍ୟୁ ତା'ର ନାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଏଇଟା। ଆଣ୍ଡ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଆଉ ଇରାନ୍ର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା, ଏଇଟାର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ସ୍କାଏ ଡ୍ୟୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆମେରିକା ସହାୟତାରେ ଆମେରିକାର ଟିକମ୍ କମ୍ପାନୀ କରିଛି, ମନେ ରଖିପାରିବେ, ହାଇ ଅଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଅବଜରଭେସନ୍ ବେଲୁନ୍, ଓକେ। ଦେନ୍ 77କୁ ଯିବା। 77 କହୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ କୋଲାବରେଟ୍ ଅନ୍ ଦ ମେଟାବଲିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅଫ୍ ନୋଥାପୋଡାଇଟିସ୍। ନୋଥାପୋଡାଇଟିସ୍ ନିମୋନିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ହାନ୍ସ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଡ୍ରଗ୍ କ୍ୟାମ୍ପୋଥେନିକ୍, ଓକେ। ତ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଡ୍ରଗ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି, ଏଇଟା କିଏ କହିଛି, ଆପଣ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଡ୍ରଗ୍, କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ବାହାରିଥିଲା, ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି କହିବି, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା IIT ମାଡ୍ରାସ୍ ଏବଂ ମଣ୍ଡି, ଦୁଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ IIT ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଡ୍ରାସ୍ ଆଣ୍ଡ ମଣ୍ଡି ମିଶିକି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରଗ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ନାଁ ଥିଲା CPT, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଓକେ, 78କୁ ଆସିଯିବା। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏୟାର୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍ଲି ଟୁ ଦ 1852 1900, ଓକେ। 1900 ଯେଉଁ ରହୁଛି, 1850-1900 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଭରେଜ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ିଥିଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ 2023 ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଫେସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 1.480°C ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ବଢ଼ିଯାଇଛି 2023। ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏୟାର୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 1.480°C ଏଭବ୍ ଦ ଆଭରେଜ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଆଭରେଜ୍ ଟେମ୍ପରେଚରଠାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମତଲବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କାହିଁକିନା ଯେତେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ହେବ ସେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗ୍ଲେସିୟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମେଲ୍ଟ ହେବ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ କ୍ରାୟୋସ୍ଫିୟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ଲେସିୟର୍ ବା କ୍ରାୟୋସ୍ଫିୟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ଟ ହେବ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସି ଲେଭେଲ୍ଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ମଝିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହର ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛି ସେଟା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କାଟାଗୋରି ରଖାଯାଇଛି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରଣ ବିଷୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆ ପ୍ରତି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେନ୍ 79, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ICD-11TM ମଡ୍ୟୁଲ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ICD-11TM ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲାସିଫାଇଂ ମଡର୍ନ ବାୟୋମେଡ଼ିସିନ୍, ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲାସିଫାଇ କରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, କ୍ଲାସିଫାଇଂ ମଡର୍ନ ବାୟୋମେଡ଼ିସିନ୍କୁ ଇଏ କ୍ଲାସିଫାଇ କରେ ICD-11TM ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ ICD-11 ମଡ୍ୟୁଲ୍, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ହୁ, ସିଏ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ହୁ ପ୍ଲସ୍ ଆୟୁଷ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇଏ ଆୟୁଷ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶିକି ଏଇଟା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ICD-11TM, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲାସିଫାଇଂ କରେ ମଡର୍ନ ବାୟୋମେଡ଼ିସିନ୍କୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ, ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖିବା 80 ନମ୍ବର, ଶ୍ୟାମାଙ୍ଗ ଗିବନ୍ସ, ଏଇ ବହୁତ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି। ଶ୍ୟାମାଙ୍ଗ ଗିବନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲ କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, ଗୋଟେ ଗରିଲା ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ। ତ
तो ये बहुत फेमस या भयसटा ये बहुत बढ़िया भयस काढ़ी पार्टी सिंगिंग करते आप जब यूट्यूब मारे देखिए मुझे अलरेडी देखी थी सियामांग गिबन जो मारिदे भयसटा शुणे मैंने पूरा कुकुर भाया पूरा बहुत सुंदर भाव से पूरा भयस दे सीम्पाजी गुड़ाक सुंदर लगे आप जानते तो ये आप सिंगिंग भयस बहुत फेमस ये न्यूज्रे सीमांगन ये एक्चुअली कौट देखा जाते कहे पे ये एक्चुअली आमर इंडोनेशिया मलेशिया थाइलैंड ये एरिया पे देखा जाते आप मन रखिए ये भयस बहुत परिचित देन प्लान आस 81 नंबर द टर्म ये देखो 81 नंबर द टर्म मैजिक आइलैंड रिसेंटली ये न्यूज था ये कौन एक्चुअली मैजिक आइलैंड ये गोटे आइलैंड भाया देखा जोटी आप गैस गुड़ाक पूरा आईस फर्म रही कह आपको टाइटन देखा जाए टाइटन कौन पे आप तो समय जानते टाइटन हूँ आप कौन टाइटन हूँ आप जो सटन अच्छी शनि ग्रह तार गोटे लार्जेस्ट मून जमी आम आर्थर भी जमी गोटे मून अच्छी सेमती सब बड़ मून हूँ जो आप शनि ग्रहर से टाइटन ओके तो टाइटन पे आप रिसेंटली जोटा कहुआ गोटे आईलैंड भाया देखा किए कौन आईसी मेल्ट हो जाए रिसर्च चली किए कौन गैस गुड़ा आकुमुलेट हो जाए तो मैजिक मैजिक आईलैंड से देखा जाए आप मन रखिए व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द न्यू जेट्स फ्यूल रिसेंटली डेवलप्ड फायरफ्लाई ग्रीन फ्यूल्स देखो बहुत बढ़िया कथा ये जो फायरफ्लाई ग्रीन फ्यूल्स अच्छी ना ये पे ह्यूमन सीवेज मतलब मनुष्य मानकर जो सीवेज अच्छी मलमूत्र ये जो आप जो ये सीवेज आम छाड़ जोटा ह्यूमन सीवेज रु ये कौन कर फ्यूल या मतलब पेट्रोल डीजेल तो सरीगला तो ह्यूमन सीवेज रु फ्यूल यूज करके तो ये कौन हम ना जेट जेट्रे यूज करोटा कि आप बहुत इंपोर्टेंट यहाँ आप मन रखिए जो ये गोटे जो जेट फ्यूल रिसेंटली डेवलप कराई फायरफ्लाई ग्रीन फ्यूल्स जोटा कि ह्यूमन स्वेज को ये कौन करुच्छे यूज करके जेट रे यूज करचुअली ह्यूमन स्वेज को प्रथम किरोसीन भाया गोटे फर्म को अणा जाए यूज करें आप जानते ना कि आम जो एविएशन क्षेत्र में जो कार्बन फुटप्रिंट के कार्बन रिलीज होते एयर पल्यूशन हो तो से कौटना कौटी या यूज करके आम फोजिल जेट फ्यूल आम सिंपल करें ह्यूमन स्वेज रु यहाँ बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए एमती क्वेश्चन आप परीक्षा आसे देन 83 क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द एजल्ट राइफल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय डीआरडीओ तो डीआरडीओ द्वारा पिला माने गुटे आपनकर एजल्ट राइफल आपनकर तयार पे जहा होची उग्रम उग्रम ये जो उग्रम रही पिला माने यार खासियत होची ये बहुत हल्का पाखा पे की आपनकर केते तार ओजनटा एक्जाक्टली मोर मन पड़नी पाखापाखि से 4 kg भितर लेस दैन 4 kg भितर ये गोटे आपर अच्छे आ ये पे 500 meter पर्यटन टार्गेट करेंगे ये राइफल द्वारा ए 7.62 × 5.1 mm आपणकर गुड़ बाहर तो यहाँ आपर 500 kilometer सरी 500 meter पर्यटन टार्गेट करें आपको आपर कौन डीआरडीओ कर तार ना हूँ उग्रम 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 मतलब कौन उग्रम उग्र रूप जो से भाया उग्रम है तो मन रखते पे राइफलटा बहुत इंपोर्टेंट 4-4 kg भितर ये बेसी ओजन नुह मात्र 4 kg भितर ए राइफलटा ओके देन तापर व्हाट इज द रिसेंट इन्वेस्टमेंट ये छाड़ा ये दरकार ना ये किसी इंपोर्टेंट नुह 85 हूँ व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनियस मैन्युफैक्चर्ड अनमैंड एरियल व्हीकल बा यूएवी रिसेंटली फ्लैग्ड बाय द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एक्चुअली बर्तमान गोटे यूएवी अर्थात अनमैंड एरियल व्हीकल मतलब ड्रोन टाइप रो कौन अनमैंड मैंने मनुष्य ना कौन अनमैंड एरियल व्हीकल गोटे कौन कर रिसेंटली आप जो नेवी रो चीफ अच्छा सी लॉन्च कर पाने कौन कराई पे सिंपल आम देखा तो जो देखिए पे यार ना हूँ कौन दृष्टि 10 Stellar है तो दृष्टि 10 Stellar कौट अच्छे एटा दृष्टि 10 Stellar आर ना हूँ यार जब मुझे खासियत कथा कह तो ये जो दृष्टि 10 Stellar यूज यूएवी अर्थात अनमैंड एरियल व्हीकल जोटा कि नेवी रे आपंकर अच्छी आपको आदानी डिफेन्स एंड एरोस्पेस या डेवलप किए कर आदानी डिफेन्स एंड एरोस्पेस आदानी कंपानी द्वारा यहाँ आप मन रखिए पे एंड ये आपबियसली पे मिलिटरी परपज हो तो यहाँ आप मन रखिए 450 kg पेलोड ये मतलब 450 kg रहा पेलोड रही तो आपने मन रखिपारे देन INS काब्रा काब्रा मान कार निकोबर रु काब्रा है कार निकोबर आप पढ़ी मुझे मैपिंग में पढ़ाई आंडामान निकोबर जो कार निकोबर तो ये जो INS काब्रा रिसेंटली न्यूज था ये कौन पे ये नाभाल वेसल्स जोटा कि पे आप कौन ऑफशोर पेट्रोल वेसल था यहाँ
ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ 86 ହେଉଛି କ'ଣ ଅଫସୋର ପେଟ୍ରୋଲ ଭେସେସ INS କାବ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିବ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କାର ନିକୋବର ନାଁ ଅନୁସାରେ କାବ୍ରା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ରିଚ୍ ସିବିଲ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ରିଚ୍ ସିବିଲ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ରିଚ୍ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଯେଉଁଟା ଦିଅଛି। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ EEZ ଅଛି, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ କି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଆମ ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କେତେ ନଟିକାଲ ମାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ କହୁ, କାହିଁକିନା ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଙ୍କର ଇଏ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚର, ମତଲବ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଶିକି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଆର ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତା ଆଗକୁ ଯିବା 87 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଭେନ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ୱିଙ୍ଗସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2024 ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ତ ଭାରତର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ 2024 ଅଲରେଡ଼ି କେଉଁଠି ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବେଗୁମପେଟ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଆଦ୍ରା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆମେ 88 ଯିବା ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସରିଜିମ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମିଶନ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ମେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ଏକ୍ସରିଜିମ୍ ଉପରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା। ତ ଏକ୍ସରିଜିମ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଅବଜର୍ଭେଟିଂ କରି ଏକ୍ସରେଜ୍ କସ୍ମୋସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଏକ୍ସରେ କସ୍ମୋସ୍କୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିପାରିବ, ଇଏ ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି। ତ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଜାପାନ ଆପଣ ଇଏ ହେଉଛି ଜାପାନର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ଜାକ୍ସା, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାକ୍ସା, ଆମର ଯେମିତି ଇସ୍ରୋ, ଆମେରିକାର ଯେମିତି ନାସା, ସେମିତି ଜାପାନ ହେଉଛି ଜାକ୍ସା ହେଲା। ତ ଜାକ୍ସା କ'ଣ କରିଛି ଯେ ଏକ୍ସରେଜ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଏକ୍ସରେଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଉପରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରିଜିମ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଦେନ୍ 89 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିଯିବ ପିଲାମାନେ, 89 ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହାଜ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ପାସ୍ଡ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ବିଲ୍ ବ୍ୟାନିଂ ଦ କନଜପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଡଗ୍ ମିଟ୍, କୁକୁର ମାଂସକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି, ସେଲ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଖାଇବା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ବନାହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସାଉଥ୍ କୋରିଆରେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ସାଉଥ୍ କୋରିଆରେ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇବା ଏବେ ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା 90 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ଫର୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେସନ୍ ୱିକ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେସନ୍ ୱିକ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର କାମ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ଯେଉଁଟା ଅଛି DPIIT, ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କରୁଛି, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ତ ପାଖାପାଖି 90 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା, ତ ପୁଣି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣିବା, ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି 200-300 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇଦେବି। ସୋ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।